मैंने ख्वाब देखा क्या, मैं जाके बोसा देता हूँ, ख्वाब अच्छी बात है, अच्छा ख्वाब है। दौराने तवाफ अगर मर्द औरतें तवाफ में टकराएं, गुनाह बिल्कुल गुनाह है। आप ऐसे वक्त तवाफ करें जब औरतें न टकराएं, या ऊपर की मंजिल पे करें, कोई नहीं टकराएगा। अगर बच्चे को नजर लग जाए तो सूरत नून वल कलम की आखिरी आयतें पढ़ के दम किया करें। नाबालिग बच्चों के लिए कोई तवाफ मरा जरूरी नहीं, उनके लिए दुआ करो। उम्रा अदा कर रहा, तवाफ कर लिया, जुहर की नमाज अदा की, उसमें कजा नमाज, जब नमाज जुहर अदा की इमाम के पीछे तो वो तो कजा नहीं हो सकती ना, कजा बाद में अलग पढ़ोगे। कजा नमाज की भी उतनी रकातें होती हैं जितनी तुमने कजा की है। अगर अपने मुल्क की नमाजें कजा हैं तो चार हैं, सफर की हैं तो दो हैं। मेरा शौहर शराब का बहुत आदी है तो या माने हो 70 दफ़ा पढ़ के खाने पे पानी पे दम करके उसको हर खाने के साथ दिया करें, इंशाअल्लाह बुरी आदतें छोड़ देगा। किसी ने मेरे हाथ पे खुशबू लगा दी, मैंने धो दिया, कोई बस बात ख़त्म हो गई। उम्रे पे आई हूँ, तवाफ भी किया है, सफा मरवा पे एक चक्कर लगा के बाल काट लिए, उसी वक्त फिर दोबारा 6 चक्कर मुकम्मल करके बाल काट लिए। बहरहाल अगर आपने पहले बाल काट लिए हैं तो ये तो बात मस्करा देकर फारिग हो गई आप, लिहाजा दम देनी होगी आपको। एक हफ्ते का मुसाफिर सुन्नत माफ है, एक हफ्ते का हो या एक साल का हो, पढ़े तो सवाब है। नबी पाक ने फरमाया कि मेरी सुन्नत को सबसे पहले बनू उमैया का आदमी तब्दील करेगा। मुहद्दिसीन के नज़दीक वो मुआविया बिन सुफयान बिल्कुल गलत है, किसी मुहद्दिस ने ये नहीं कहा।